मिर्जापुर में 3 दिनों से चल रहा उर्स मेला शनिवार को खत्म हो जाएगा। सांप्रदायिक सद्भावना से भरे इस मेले का आयोजन अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के भांजे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर किया जाता है। मान्यता है कि जो लोग मामा अजमेर ख्वाजा शरीफ की दरगाह तक नहीं पहुंच पाते हैं, वे कंतिस शरीफ वाले भांजे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यानी कि ख्वाजा इस्माइल चिश्ती के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाते हैं। इससे उन्हें स्वतः ही अजमेर शरीफ वाले बाबा की दुआएं प्राप्त होती हैं। ये गरीब नवाज का आस्थाना है, यहाँ पे लोग जो मांगते हैं वो दुआएं इनकी पूरी होती है। कहा जाता है जो अजमेर नहीं जा पाए यहाँ के दर्शन कर जी हाँ, ये बहुत सच है। शरीफ नहीं जाते हैं, पहले आप यहाँ ज़ियारत करिए फिर वहाँ जाइए। ये उनके भांजे हैं, गरीब नवाज के भांजे हैं। ख्वाजा साहब के कारण कंतिस शरीफ के नाम से प्रसिद्ध इस गाँव में लगने वाला उर्स मेला सामाजिक सद्भावना की मिसाल पेश करता है। मुस्लिम कैलेंडर के मुताबिक चांद की 5, 6 और 7 तारीख को बाबा का उर्स मेला मनाया जाता है। इस मेले में लाखों की संख्या में दूर दूर से जायरीन आते हैं। इनमें हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। मन्नत पूरी होने पर वे चादर भी चढ़ाते हैं। ज़ियारत करना है बाबा का। यहाँ कंती कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा। क्या जानती है यहाँ मन्नत पूरी होती है। मेले की सबसे बड़ी खास बात यह है कि बाबा की मजार पर उर्स मेला शुरू होने से पहले पहली चादर हिंदू परिवार चढ़ाता है। इसके बाद से ही मेला शुरू होता है। देखिए, जो अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हैं, ये उनके भांजे हैं। जो वहाँ नहीं पहुँच पाता वो यहाँ आकर के अपनी मुरादों को पूरा करता है और यहाँ से उसका पूरा हो जाता है। कौन ऐसे ऐसे? हाँ, राहुल गांधी जी आए हुए थे, इससे पहले बहुत पहले आए हुए थे। राहुल गांधी जी आए थे, यहाँ पर चादर पेश किए हैं, और अनुप्रिया पटेल भी आई हुई थी यहाँ पर चादर पेश करने के लिए। अपनी मांगों को पूरी करके उन लोगों ने गई।